केपी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के उन विराट पुरुष का नाम ले रहे हैं जिनका साहित्य जगत में नाम शीर्षार्थ है, शीर्ष पर स्थित है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहारी जी के बारे में। बिहारी जी आपके कोर्स में है और ये बहुत ही ज्यादा तो हम इनके पहले जीवन परिचय किसी बात कर लेते हैं कि बिहारी जी का जो जन्म है वो 1595 में और इनकी जो मृत्यु है वो 1663 में हुई। 1595 में इनकी मृत्यु हुई और 1663 1595 में इनका जन्म हुआ और 1663 में इनकी मृत्यु हुई। ये रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कौन से थे? रीतिकाल, जहां पे एक और भक्ति को त्याग करके नारियों के मानसिक शरीर का वर्णन किया जाने लगा, वहीं पर बिहारी जी एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने भक्ति को भी अपने लेखनी का आधार बनाया, जिन्होंने नीति को भी अपने लेखनी का आधार बनाया, जिन्होंने ज्योतिष और खगोल को भी अपने लेखनी के माध्यम से लिखा और नायक नायिका का वर्णन करने में ये सिद्धहस्त कवि हुए। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता का नाम केशव राय था। ये आचार्य केशव से भिन्न है। आचार्य केशव की तरह वो केशव नहीं है, ये दूसरे केशव है। और इनके पिताजी का नाम केशव राय था। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। क्या नाम था? प्यारे बच्चों, इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। ठीक है साहब, ऐसा कहते हैं कि जो बिहारी जी है, बिहारी जी चोबे ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? चोबे ब्राह्मण जाति है। चोबे जैसे अपने होती त्रिपाठी होती है, नामों में वो होती उसी प्रकार से ही चोबे ब्राह्मण थे। और चोबे ब्राह्मण में भी कौन से थे? माथुर ब्राह्मण थे। कौन? बिहारी जी। ठीक है सर, ऐसा कहा जाता है कि जब केवल ये 8 वर्ष के थे तब इनके पिताजी इनको ओरछा लेकर के चले गए थे। कहां पे? ओरछा नरेश के वहां पे, और वहां पे इनके दरबार में रह रहे थे और वहीं पे विद्यार्थी कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो बचपन है, किनका? बिहारी जी का जो बचपन है वो बचपन बुंदेलखंड में गुजरा। कहां गुजरा? बुंदेलखंड। और इनकी जो युवावस्था है वो मथुरा में, इन्होंने युवावस्था मथुरा में होगी। बचपन इनका बुंदेलखंड में गया और जब छोटे से थे और उस समय का जो अवस्था है वो ओरछा में निकाली। ठीक है सर, ये हिंदी साहित्य में इसलिए विराट कहे गए कि बिहारी जी के दोहे जो नामी कीर्ति देखने में छोटे लगे भाव करे गंभीर। एकमात्र काल की रचना लिखकर के गए जिनके आधार पर ये विश्व जगत में विख्याति हर पाठक को सौंप करके चले गए और उस रचना का नाम है बिहारी संसई। क्या नाम है? बिहारी संसई। एक ऐसी रचना जिसके आधार पर हिंदी का प्रत्येक पाठक इनको आदर की नजर से देखता है। और माना जाता है कि इस रचना में कोई कहता है 739 दोहे हैं, कोई कहता है 719 दोहे हैं और कोई कह रहा है 700 दोहे हैं। पर आप 12वीं और 11वीं किताब पढ़ेंगे तो 739 है और 10वीं और 11वीं 739 और 9वीं 719। और सामान्य तो ये वाला जो मत है 719 का, क्योंकि आपकी जो जेनार्ड व्यास यूनिवर्सिटी है उनका उसके पाठ्यक्रम में 719 बताया गया है कि बिहारी जी इतने दोहे लिखे। और इस बिहारी संसई के अंतर्गत श्रृंगार नीति ज्योतिष खगोल इन सबको मध्य बनाकर के इन सबके ऊपर इन्होंने बहुत ही गहरा और विशद लिखा, जिसके कारण हमारी एक आस्था है साहित्य में वो बिहारी से विशेष रूप से जुड़ती है। ठीक है साहब, ऐसा कहते हैं कि सवाई जयसिंह जी के दरबार में ये एक बार क्या हुआ कि ये ग्वालियर से जयपुर आए और जयपुर में जब ये गए तो ऐसा पता लगा कि यहाँ का राजा है वो किसी भी प्रकार का
ध्यान नहीं दे रहा है और यहाँ की जो राज अवस्था है वो चौपट होने जा रही है। राजा है अपनी नई नवेली दुल्हन के प्रेम में उनके पास में पड़ा हुआ, एक रानी है उनके पास में पड़ा हुआ, आराम से महल में रहते हैं और ये बाहर नहीं आते और यहाँ का प्रशासन ढंग से नहीं देख रहे हैं। तो एकमात्र दोहा इन्होंने लिखा और ये लिखा कि नहीं बरात नहीं मधु मधु नहीं विकास एक आग अली गली सो बंदिरो और आगे कौन हवा। और ये जब दोहा जयसिंह जी के पास में गया और इन्होंने सुना, ये खुद भी साहित्य के रसिक थे, जब इन्होंने इस बात को सुनी और वापस से ये शासन को ढंग से संभालने लगे और राजकार्य को व्यवस्थित किया। जयसिंह जी ने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए इनको अपना पुत्र का शिष्य नियुक्त कर लिया और नियुक्त करने के बाद में विहन जी को काली पहाड़ी नाम की जो जागीर थी वो इनको भेंट में दी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बिहारी जी को प्रत्येक दोहे पर एक रुपया चांदी का दिया जाता था, एक टका दिया जाता था चांदी का, परंतु आज हम देखते हैं कि वो चांदी के रुपए जो कहां गए हम नहीं जानते, पर बिहारी जी आज भी लोगों का कंठहार बने हुए हैं, कंठ के रूप में कंठ में बसे हुए हैं और इनके दोहों को बड़े आशा के साथ सुना जाता है। इन्होंने भक्ति को भी अपना विषय बनाया है ना, मेरी बवादा और आगरा नागरी सोई और जागरण की छाई परे और शाम हरित रुचि हुई, इस प्रकार से इन्होंने लिखा। इन्होंने वहां पर भी लिखा कि है जयसिंह जी शिवाजी तुम्हारा भाई है और तुम औरंगजेब के पक्ष में जाकर अपने ही कबीले के व्यक्ति को क्यों दुखी कर रहे हो। इन्होंने प्रतिकार कहा था कि जयसिंह जी अपने ही कुल के पक्षी को बाज बनके तुम मत मारो और ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे और हिंदी साहित्य को अलंकार या फिर छंद या और भी साहित्य की विधा में महत्वपूर्ण दोहे बना करके साहित्य की विधा को इन्होंने एक अनुपम धरोहर सौंपी है जिसका हिंदी का प्रत्येक पाठक इनका ऋणी रहेगा। और इनके जो दोहों के अंतर्गत जो सार गंभीरता है कि दादर में साधक बनने का काम करते हैं और बहुत ही विशद दोहे लिखे हैं बिहारी जी ने और बिहारी जी की इन्हीं दोहों के कारण पाठ्यक्रम इनके नाम से अछूता नहीं जाता और इसीलिए इस वीडियो को बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो किस प्रकार से लगा वीडियो को जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं भरत कर्ण लेता हूँ विदा, शुक्रिया, शुभ रात्रि।